प्रदेश में अनलॉक वन के तहत राज्य सरकार ने लगभग सभी पाबंदियों पर छूट दे दी है, लेकिन चुनौती अभी भी बरकरार है। जयपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 से अधिक हो गई है, तो वहीं मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार से परकोटा सहित सभी संक्रमित क्षेत्रों में बाजारों को खोल दिया गया है। हालांकि जहां पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं वहां सीलबंद किया जा रहा है, लेकिन संक्रमण के खतरे को देखते हुए चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही है। इसको लेकर जयपुर CMHO डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने कहा कि अब मरीजों को ट्रेस करने में समस्या का सामना करना पड़ेगा, इसके लिए अतिरिक्त टीमें लगाई जा रही हैं। साथ ही परकोटे को सावधानी के साथ खोला गया है, भीड़भाड़ वाले 5 क्षेत्रों को अभी भी बंद रखा गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना से मरने वालों में अधिकांश 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। निश्चित तौर से लॉकडाउन के हटने के बाद पुलिस की, प्रशासन की और मेडिकल विभाग की चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। अब हमें अधिक सावधानी पूर्वक हमको इसमें लोगों को ट्रेस करना पड़ेगा, पेशेंट्स को ढूंढना पड़ेगा, उन कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके अलग करना होगा। हमें अब ज़्यादा मेहनत करनी होगी, पर हम निश्चिंत हैं कि हमारी जो टीम है वो दिन रात काम करके कैसे भी किस तरह से इस कोरोना के इन्फेक्शन को रोकने में कामयाब होगी। परकोटा को हमने बड़े सिस्टमिक ढंग से खोला है, जो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके हैं 5, उन लोगों को अभी जगह अभी भी हमने बंद की हुई है। बाकी जगह को हमने एक कुछ निश्चित छूट देके हमने वो चीज़ खोली है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर हमारा प्रशासन और पुलिस सहयोग से हम, हमारी टीमें हैं, निश्चित तौर से सर्वे काम चलता रहे, स्क्रीनिंग चलती रहे और उनकी टेस्टिंग लगातार चलती रहे, जिससे कि हमें वहाँ पर जो भी पेशेंट है कोरोना के उनको हटा के और समाज को संक्रमण मुक्त करने में फ़ायदा मिल सके। प्रदेश में